अमर ससुरी के धिक्कार है तुमको, डूब मरना चाहिए, जरा से पानी में डूब मरना चाहिए। अमर साले तुमने तो बेइज्जती करवा दी, एक तो फोन कर करके हमको वहाँ बुला लिया कि पंत भाई आओ आज हम मई जीतेंगे, आज हम मई जीतेंगे, और ससुरी कितनी बुरी तरह से हार गए। टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी, तुमसे दूसरा मैच भी नहीं जीता गया, आज नहीं छोड़ेंगे, आज तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे हम। हमें तो तुमको बुलाया तो इसलिए था कि शायद तुम्हारे आने से आज टीम की किस्मत पलट जाए, लेकिन तुम्हारे आने से घंटा फर्क नहीं पड़ा, पहला भी मैच हारे दूसरा भी मैच हार गए। हमें यार हम तो कप्तानी लेके बहुत पछता रहे हैं। अरे बंदूक हटा लो, हमारी खोपड़ी से बता रहे हैं कि टीम को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। अमे बाबे बामेरे साईं महाराज, यार सोने तो कल गजब उठा दिया, हमको तो लग रहा है कि यार दो चार विकेट गिर गए, अब तो जीतना मुश्किल है, लेकिन यार कतई जहर यार तुम क्या कल खेले हो। हमें इंडियन टीम के अगले कप्तान हम ही बनेंगे, तुमको जरूर मौका देंगे, बस ऐसे ही प्रदर्शन करते रहो। हमें हार्दिक भैया हमने सोचा कि दिल्ली को जो आ रहा है पेल रहा है, क्यों ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले, हमने भी लगे हाथों ले लिया। हमें पांडू भाई इनकी तो बेइज्जती हो गई, इन्होंने पंत भाई को बुलवा के और फिर भी मैच हार गए। हमें धिक्कार है भी, तुम लोगों को धिक्कार है, ये ससुरी के बोनट देख रहे हो, ये लोग कैसे हमसे मजे ले रहे हैं, ये सब बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है कि इस साल दिल्ली को गड्ढे में ले जाना है। एक वो रिक्की चाचा, एक तुम, एक ससुरी को मिशेल मार्श, वो नहीं दिख रहा है कहाँ है। इमे यार पंटवा यार ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम ये सब गलत सोच रहे हो यार, हमको शर्म नहीं लग रही है, लगातार दो मैच हार गए, हमको कप्तान बनाया, हमारी बेइज्जती नहीं है इसमें क्या। नहीं यार तुम्हारे ही इज्जत है, सिर्फ तुमको ही शर्म आती है, हमें और ससुरी का हमको कुछ नहीं पता, आज तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे। तुम अगर ऐसे मैच हार जाते तो कोई बात नहीं, तुमने हमको बुला के तब मैच हारे हो, अब इससे बेहतर था कि हमको नहीं बुलाते, तुमने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती करवाई है, आज हमारी खोपड़ियाँ खराब है, आज तुम्हारी भी खोपड़ियाँ उड़ा देंगे।